सो गाइस अभी हम लोग आ गए कॉलेज दिल्ली और कॉलेज में इंटरव्यू हो चुके, काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं भाई। तो अभी अंदर चलते हैं और यहीं पे अभी गाड़ी कहीं पार्क कर देंगे, फिर जहाँ तक उसके बाद आज पक्का 100% एडमिशन हो जाना यार। तेरे से मैं दौड़ रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं कि मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो लिटरली अब कॉलेज में आ गए हैं, अब हो जाएगा एडमिशन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई सब ब्लॉग्स माय मिलिट्री फैमिली, कैसी है? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग फिर से आज चलते हैं कॉलेज, बिकॉज कल एडमिशन हो ही नहीं पाया था तो आज भी जाना पड़ेगा। और मैं आज लेके जा रहा हूँ दिनेश भाई को, जो हमारे UK 06 राइडर है ना, उनको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यार जो हमारा कॉलेज है ना उसमें नेतागिरी बहुत चलती। कल 4 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और मेरा फॉर्म जमा नहीं हुआ, जिस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया। बिकॉज वहाँ के जो इलेक्शन वगैरह जो लड़ रहे हैं ना बच्चे, वो भाई वो अंदर से जाके फॉर्म जमा करवाते हैं, तो आज हम भी वही करेंगे, हम भी आज अंदर से जमा करवा देंगे। बिकॉज आज मैं लेके जा रहा हूँ दिनेश भाई को, और दिनेश भाई की अच्छी खासी पकड़ है कॉलेज में, और आज पक्का पक्का अपना एडमिशन हो भी जाना है। तो भाई कुछ बर्ड्स भी लेके जाने, क्योंकि एक भाई से बर्ड्स ले रखे थे तो उसे बर्ड्स भी देने, तो उसे वापस बर्ड्स भी दे देंगे। तो रेडी तो हो ही गया हूँ मैं, और फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता और पकड़ लेते हैं बर्ड्स और फिर चलते हैं कॉलेज, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो गाइस, अभी मैं हो चुका हूँ रेडी और भाई हेलमेट ले लिया और सारा सामान भी ले लिया। आप देखते हैं कि कॉलेज में आज एडमिशन होता है नहीं होता। वैसे तो एडमिशन हो जाना चाहिए, बिकॉज पर हो जाएगा जो भी है। ओए क्या हुआ, क्या हुआ है? ये क्या, ये चला बाय 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 टाटा, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तो लिटरली गाइस पहले चलते हैं दिनेश भाई के पास, क्योंकि दिनेश भाई भी आज हमारे साथ जाने वाले हैं कॉलेज, और फिर उसके बाद चलेंगे कॉलेज। सो गाइस, आज हम स्कूटी से नहीं, आज हम जाने वाले हैं कॉलेज दिनेश भाई की कार से। तो हमने स्कूटी अपनी इधर खड़ी कर दिया और उस वाली कार से हम जाएंगे। लिटरली ये हमारे बर्ड्स रखे हैं, इन्हें भी उठाई लेते हैं, बिकॉज ये बर्ड्स जिससे लिए थे ना उसको वापस करने और कुछ पैसे आ रहे हैं वो भी लेने हैं। तो भाई चलते हैं। लिटरली गाइस अभी हम लोग की चार से निकल चुके हैं और मेरे साथ जा रहे हैं दिनेश भाई। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो आज दिनेश भाई मेरा एडमिशन कराने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को अपना बर्ड एक बंदे को देना, उस बंदे को बर्ड देंगे और फिर उसके बाद चलेंगे कॉलेज। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कॉलेज दिल्ली और कॉलेज में इंटरव्यू हो चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चे दिख रहे हैं भाई। तो अभी अंदर चलते हैं और यहीं पर अभी गाड़ी कहीं पार्क कर देंगे, फिर जहाँ तक उसके बाद आज पक्का 100% एडमिशन हो जाना यार। तेरे से मैं दौड़ रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं कि मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो लिटरली अब कॉलेज में आ गए हैं, अब हो जाएगा एडमिशन। तो भैया अभी कॉलेज में तो आ गए और भाई गाड़ी कर दी है यहाँ पे पार्क, दिनेश भाई वहाँ भटक रहे हैं। मेरा एडमिशन तो हो गया है, लेकिन उसी का भी हो गया, हो गया तेरा? और ये देखो क्या कर रहा है तू। तो भाई एडमिशन करवाने में ना सुबह से शाम हो चुकी है और लिटरली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद एडमिशन हुआ है और स्लिप भी मिल गई है। अब खाली मुझे लेना है एडमिट कार्ड, और हम ना एडमिट कार्ड लेने के बाद घर चलेंगे। देखते हैं पहले कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि बिकॉज सुबह से आए हुए ना और अभी तक कुछ भी नहीं खाया, भूख लगी बहुत ज़्यादा। तो भैया एडमिशन तो हो गया, लिटरली गाइज अभी एडमिशन तो हो गया, मेरा भी हो गया और सबका हो गया, मनोज जोशी का भी हो गया। तो अभी हमारे साथ वापसी में मनोज जोशी भी जा रहा है, हम अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, चले जा। और भाई सोए भाई भी जा रहे हैं। भाई मैं सुबह 8 बजे से आया, और हमारा काम किसने कराया है? इन्होंने। हाँ भाई, कौन ने दिखाई? काम कराया तेज भाई ने, लेकिन वोट इन्हें देना। हाँ, वोट इन्हें देना, अश्विनी भाई ने काम कराया भाई अपना पूरा आज का, सबका, इनका भी, उसका तो पहले ही हो गया था, पूरे फ्रेंड सर्कल का इनने काम करवाया है। अब इनके लिए जान भी दी जाएगी, और दिनेश भाई के लिए सबसे ज्यादा। इन्होंने इनका हमने चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन दिनेश भाई के लिए तो अब जान देंगे, और इनके लिए और शुभम तिवारी भैया। शुभम तिवारी अपना भाई है, उन्हीं को तो पता है। अजय तिवारी भैया ने उन्हें कॉल करके पता क्या, जब मेरा एडमिशन हो गया तो उन्होंने सबसे पहले कहा, उन्होंने कहा पहले उसे कॉल कर, अजय भैया को कॉल कर, क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहे हैं, वो उन्हें कॉल कर रहे थे, वो एडमिशन क्यों नहीं करा रहा उसका। तो सो गाइस अभी यहाँ से एक जगह से बिल लेना है मोबाइल का, वहाँ से बिल लेते हैं और फिर चलते हैं घर वापस। लिटरली काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, शाम हो चुका है भाई, भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा तेज, बिकॉज सुबह का नाश्ता करा हुआ निकला हुआ, और नाश्ता भी नहीं करा यार, 8 बजे ही करा था, बहुत बुरा लग रहा था। तेरी गलती है ना, तूने नहीं करा। और एक चीज़ बता दूँ, तेरा आज हो नहीं पाता, मैं अंदर घुस के निकाल के लाया भाई बंडल में से, और इसका तो 3 बार कैंसिल हो गया। हाँ
वही तो, लेकिन मैं बंडल में से निकाल के लाया तेरा, तब तेरी पर्ची कटवाई। तीन बार कैंसिल हो गया था। अभी किच्छा तो पहुंच गए और काफी ज्यादा भूख लगी थी, तो अभी हम बीकानेर में कुछ खाने वाले हैं, तो चलते हैं भाई बीकानेर में। हाँ भाई बीकानेर आ गया सामने, तो इसमें ये भी कुछ खा लेते हैं। तो लिटरली गाइस अभी हम लोग ना बीकानेर के अंदर आ गए हैं फूड खाने, बिकॉज यहाँ का फूड ना बना होता बेस्ट फूड है। तो लिटरली अगर मैं खाने आता ना तो बीकानेर में आता, मेरे साथ मनोज जोशी भी आया खाने, और भाई यू के 06 राइडर भी आया भाई। और भाई बढ़िया यार, यहाँ पे जो स्वीट है ना, स्वीट यहाँ का मतलब एकदम सब बढ़िया, जितनी भी मिठाई वगैरह होती है ना सब यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त मिलती है। और बीकानेर की मिठाई जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, टेस्टी मतलब टेस्ट एकदम नंबर वन है, अलग लेवल का टेस्ट आता है यहाँ की मिठाई में। तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया पाव भाजी, जो कि पाव भाजी यहाँ की जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो लिटरली जब मैं सेंटर आता था तब मैंने बहुत ज़्यादा खाई पाव भाजी। लिटरली गाइस हमारी पाव भाजी तो आ चुकी है भाई, ये मेरी है, ये मनोज जोशी की है, और ये दिनेश भाई की है। तो भाई यहाँ की जो पाव भाजी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मेरी फेवरेट है, और मैं काफ़ी दिन बाद यहाँ की यार पाव भाजी खा रहा हूँ। लिटरली काफ़ी टाइम हो गया, जब खुशबू के साथ आया करता तब खाया करता, अब तो पता नहीं खुशबू भी कहाँ है। लिटरली गाइस यहाँ पे हमने पाव भाजी तो खा ली, और यहाँ की पाव भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है जैसे मैंने पहले बताया था। और अब हमने लगवाया यहाँ के मीठा, जो कि यहाँ का मीठा बहुत ज़्यादा फेमस है, और रसमलाई, रसमलाई मेरी फेवरेट है भाई। आज मैंने आईफोन ले लिया, देखिए गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आईफोन ले लिया। लिटरली गाइस मैंने आईफोन ले चुका हूँ ऐसा ना, ये आईफोन रोड पर पड़ा हुआ मिला था ये देखिए, जिस भाई का आईफोन गिरा हो वो कमेंट कर दें, उसका मैं वापस दे देता हूँ। रियली ये रोड पर पड़ा हुआ मिला है हमें गाइस। आज जिंदगी में जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज पहला दिन ऐसा है कि मेरा अच्छा गया है। जिंदगी में जब से पैदा हुआ हूँ, पैदा होने के बाद से जिंदगी में कलेश थे, लेकिन आज पहला ऐसा दिन है जो अच्छा गया बहुत। जिसको भी अपनी सेटिंग के लिए पहुँचाइए मिठाई, मतलब चॉकलेट भी है, चॉकलेट ले जा सकते हैं, मैं भी अपनी सेटिंग के लिए ले जाऊँगा ऐसा नहीं है, लेकिन कल आप आ जाना बीकानेर इच्छा उधम सिंह नगर, एड्रेस डाल दें। तो गाइस अभी तुमने सारा सब कुछ खा लिया, और भाई सब कुछ यहाँ का जो बीकानेर है ना सब कुछ वहाँ का टेस्टी है। और यहाँ पे देखो गाइस ये पता नहीं कोई गाड़ी खड़ी करके चला गया, और हमारी गाड़ी ये खड़ी हुई है, तो लिटरली अब इसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। मनोज जी गाड़ी निकलवा ले, हाँ इस गाड़ी में पलट सकता हूँ, आने पर बहुत ताकत है। चलो 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 रुक जाओ। तो गाइस पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी लगा देते हैं यार, गाड़ी क्या गाड़ी लगा देते हैं। ये देखो भाई कितनी मुश्किल से गाड़ी निकाली, कितना इतनी जगह में मोड़ मोड़ के निकाली है। चल ठीक है बाय, टेक केयर। आज मेरी सेटिंग हो गई, आज मेरी सेटिंग हो गई, बहुत खुश है ये। सो गाइज अभी तो मैं घर वापस आ गया हूँ, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, बिकॉज पाव भाजी से कुछ नहीं हुआ मेरा, क्योंकि सुबह से मैं भूखा था। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसे एक्सपेंसिव से ब्लॉग आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।